नमस्कार साथियों, राम राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजस्थान न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं मेनपाल वर्मा। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं हरिद्वार के दक्ष मंदिर के बारे में। हरिद्वार अर्थात हरि का द्वार यानी भगवान विष्णु। हरिद्वार नगरी को भगवान श्री हरि का द्वार माना जाता है, जो गंगा के तट पर स्थित है। इसे गंगा द्वार और पुराणों में इसे मायापुरी क्षेत्र कहा जाता है। यह भारतवर्ष के 7 पवित्र स्थानों में से एक है। हरिद्वार में हर की पौड़ी को ब्रह्मा कुंड कहा जाता है। इसी विश्व प्रसिद्ध घाट पर कुंभ का मेला लगता है। तो जानते हैं हरिद्वार के दक्ष मंदिर के बारे में संक्षिप्त जानकारी। हरिद्वार के दक्षिण में 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दक्ष महादेव मंदिर को उत्तराखंड का प्राचीन धार्मिक स्थल माना जाता है। शिव जी को समर्पित इस मंदिर में प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने हेतु आते हैं। मंदिर के मध्य में शिवलिंग स्थापित है। यह मंदिर माता सती के पिता राजा दक्ष की याद में बनवाया गया था। किंवदंतियों के अनुसार यहीं पर राजा दक्ष ने वह यज्ञ किया था जिसमें कूदकर माता सती ने आत्मदाह कर लिया था। इससे शिव के अनुयायी वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया था। बाद में शिव ने उन्हें पुनर्जीवित किया। मंदिर का निर्माण वर्ष 1810 ईस्वी में पहले रानी धनकौर ने करवाया था और 1962 में इसका पुनर्निर्माण किया गया। इस मंदिर में एक छोटा गड्ढा है। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां माता सती यज्ञ की अग्नि में कूद गई थी। यह मंदिर कनखल क्षेत्र में स्थित है। कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र राजा दक्ष कनखल नरेश थे और उनकी इच्छा के विपरीत शिव ने इसी स्थल पर सती से विवाह रचाया था। चलिए दोस्तों, अब देखिए कि मंदिर कैसा है।